दोस्तों एक्सिस बैंक की तरफ से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक्सिस बैंक में आप जीरो बैलेंस से अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को खोलने के लिए आपको ना किसी बैंक में जाना और ना किसी पेपर वर्क करना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो 3 से 4 मिनट के अंदर आप एक्सिस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो हमारी पूरी वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदू वीडियो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में डालना है एक्सिस मोबाइल। एक्सिस मोबाइल में डालने के बाद आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे नीचे कॉर्नर पर आपको अप्लाई नाउ आएगा, तो उस पर अप्लाई नाउ करके तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सर्चिंग लेगा कुछ सेकेंड का और दोस्तों सबसे पहले फिर आपको दिखाई देगा ASAP सेविंग अकाउंट। आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा कुछ सेकंड का और आप कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा आ रहा है आधार प्लस पैन प्लस। दोस्तों आप आधार पैन 3 मिनट के अंदर आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना आधार नंबर डालना। दोस्तों याद रहे आपको वही आधार नंबर डालना है जो आपके नंबर पर रजिस्टर होगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक OTP मिलेगा। और दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एग्री का क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक पिन नंबर आएगा दोस्तों, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा जो आपके आधार से लिंक है उसी नंबर पर। सभी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट आएगा, उस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा आधार डिटेल यहाँ पर निकल आएगा और आधार डिटेल निकलने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपना जो भी है, अगर आपका खुद का घर है तो ऑनर ऑन कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कॉलम है तो मैं यहाँ ऑन कर देता हूँ और आपको यहाँ पर सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको ब्रांच का नाम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल यहाँ डाल देना है। आपको ईमेल एड्रेस डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम क्या आप करते हैं वो डाल देना है, इनकम कितनी है और फिर नॉमिनी एंड लास्ट में दोस्तों एंटर नॉमिनी डिटेल। अगर आप नॉमिनी कोई है तो आप नाउ कर दें, नहीं तो आप लेटर कर दें। नाउ करने के बाद आपको क्लिक मांगेगा, वो आप डालते रहें। उसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक पिन आएगा, एक पिन आएगा, उस पिन को आप डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपका जो कार्ड होगा ATM कार्ड उसे आपको यहाँ पर पिन नंबर डाल देना है, पिन बनाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 अंकों का अपना ATM पिन सेट कर देना है। ATM पिन सेट करने के बाद आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अगर आप 300 रुपये महीने का देना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ATM कार्ड है जो दोस्तों अगर आप 300 रुपये महीना देना चाहते हैं तो उसे कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों फिर आपका यहाँ पर आ रहा है कि आप एड मनी, तो उस एड मनी पर क्लिक कर दें। अगर आप रुपए ऐड करना चाहते हैं आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड पूरा आ जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ फिर ऐड रुपए नहीं करना चाहते तो स्किप कर दें। स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन मोबाइल, दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना होगा दोस्तों। अच्छी लगी तो कमेंट में एक बार जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।